नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दोनों पितृपक्ष चल रहे हैं और लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके सम्मान में विभिन्न तरह के आयोजन भी करते हैं। इसी कड़ी में व्यापारी और समाजसेवी गिरजा पाटकर के नेतृत्व में बुंदेलखंड गौशाला में तमाम व्यापारियों द्वारा जाकर यहाँ पर पौधारोपण किया गया। पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए व्यापारी गिरजा पाटकर के नेतृत्व में 15 से अधिक व्यापारियों ने बुंदेलखंड गौशाला पहुंचकर गौशाला के भीतर फलदार पौधे रोपे। संजू पाठक ने पौधों को संरक्षित करने की बात कही और पौधारोपण करने आए लोगों का आभार जताया। प्रतिपक्ष चल रहे हैं और आज हनुमान टोरिया की योगा ग्रुप ने, जो स्ट्रॉ ग्रुप से उनके नाम से जाना जाता है, जिसमें सारे बाजार के व्यापारी बंधु जुड़े हुए हैं, आज सभी लोगों ने बुंदेलखंड गौशाला जाकर अपने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी याद में आज वहां पे फलदार पौधे लगाए गए, जैसे आम का हुआ, जामुन का हुआ और क्या नाम अमरूद का हुआ और आंवला का हुआ, ऐसे पौधे वहां पे लगाए गए हैं। और इन पौधों को संरक्षित करना, इनके रख रखाव, इनको पानी देना, इनको बड़े करना का पूरी जिम्मेदारी वहां के संचालक संजीव पाठक ने जिम्मेदारी ली है।